हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में स्टूडेंट, हम लोगों को एक इनइक्वलिटी दी गई है और उसका सॉल्यूशन सेट हमसे पूछा गया है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, अगर मैं 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर और इसके फैक्टर करके लिखूं 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 लेस देन 0 और इन दोनों में 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां पे बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 और यहां पे माइनस में 1 लेस देन प्लस 0। ओके, प्लस 1 हम सॉरी यहां पे माइनस 1 ही होगा हम लोगों के पास में, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू हम लोगों को मिलती है 1/2 से लेकर के 2 और 2 तक। अब देखिए, ये जो पोर्शन है इसका, ये तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगा स्टूडेंट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 से 1 तक हो सकती है। तो दिस इसका सॉल्यूशन तो है ऑल द रियल नंबर, ये हमें सेटिस्फाई करवाना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो हमारे पास 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। नाउ वी नो कि फ्रैक्शनल पार्ट x को हम लोग x माइनस बॉक्स ऑफ x लिख सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए, यहां पर x की जो वैल्यू है हम लोगों के पास वो -5 से -4 के बीच में है। तो अगर हम बॉक्स x की वैल्यू लेंगे तो वो आएगी हमारे पास में -5। तो x माइनस ऑफ -5 यानी कि +5 ग्रेटर देन 1/2। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, जब मैं x को एग्जैक्टली -4 लूंगा, जब मैं x को एग्जैक्टली -4 लूंगा, तो देखिए उसमें हम लोग डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कि एग्जैक्टली -4 पर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू होगी 0। तो 0 माइनस 0 प्लस 2 लेस देन 0 विच इज रॉन्ग। इसका मतलब -4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां पर हमको -4 को छोड़कर -5 से -4 के ऊपर इंटरवल में हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहां से x पता लगा 1/2 -5 से बड़ा यानी -9/2 से बड़ा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि x -9/2 से -4 तक हम लोगों के पास में हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, fx इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज -5 to 7। लेट gx आपको एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, देन द डोमेन ऑफ f ऑफ gx। तो देखो क्या करना है, एक फंक्शन है hx इक्वल टू f ऑफ gx, तो आपको hx की डोमेन को फाइंड आउट करना है। तो hx की डोमेन के लिए क्या करना है कि जो gx का आउटपुट है वो f का क्या होना चाहिए, इनपुट। तो आपको f का इनपुट गिवन है -5 to 7, तो देन जो gx का आउटपुट है वो क्या होगा -5 to 7। तो आप लिख सकते हो इसका कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा व्हेन gx लाइज बिटवीन -5 to 7। तो ये स्टेप लिखने से आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा कि gx का इनपुट क्या होगा, और जो gx का इनपुट होगा वही hx का इनपुट होगा। तो gx फंक्शन है आपका 2x प्लस 5 का मोड लाइज बिटवीन -5 to 7। ये 5 था, तो देखो मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव। तो ये इसका लेफ्ट पार्ट तो ऑलवेज क्या होगा ट्रू, तो ओनली आपको दिस पार्ट को क्या करना है सॉल्व। तो उसको लिखें 2x प्लस 5 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 7, और ये आपको याद होना चाहिए कि मोड x लेस देन के हो तो देन x लाइज बिटवीन -8 to 8। तो ये आ गया -7 से +7, x का मीनिंग 2x प्लस 5। फिर आप 5 को दोनों तरफ शिफ्ट करोगे तो इधर होगा -12, ये 2x है, और इधर 5 को शिफ्ट किया तो ये आ गया 2, और बाद में ऑल थ्री साइड आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया -6 से 1। मतलब जब x को -6 से 1 के बिटवीन लोगे तो उस केस में f ऑफ gx आपका डिफाइन होगा, तो देन f ऑफ gx की डोमेन होगी -6 से 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3rd पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए, हम लोगों को ये बता रखा है कि एक फंक्शन है जो कि r से r में डिफाइंड है, एंड दैट इज एन इनवर्टिबल फंक्शन, एंड fx एंड f इनवर्स x जो है वो y इक्वल टू -x के अबाउट एक दूसरे जो है वो सिमेट्रिकल है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये जानते हैं कि fx और f इनवर्स x y इक्वल टू x के अबाउट तो एक दूसरे के लिए सिमेट्रिकल होते ही है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हमेशा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे के लिए सिमेट्रिकल होते हैं। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहां से हम लोग क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, कि फंक्शन f ऑफ a इक्वल्स टू व्हाट b है, यानी कि इस फंक्शन में हम लोग जब इनपुट के रूप में a डालते हैं तो आउटपुट के रूप में b मिलता है। तो हम लोग जानते हैं इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि f इनवर्स x फंक्शन में अगर मैं b इनपुट रखूंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, a, है ना। यानी f इनवर्स b की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास a के बराबर होगी।
दूसरी बात, इन्होंने यहां पर ये जो कह रखी है इसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है वो हमारे पास में इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब देखिए हमने ये माना है, मान लेते हैं a और b थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव है, तो a कॉमा b फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से स्थित है और ये हमारे पास में fx कर्व पर स्थित है। अब जैसा क्वेश्चन कह रखा है कि fx और f इनवर्स x एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इस पॉइंट की अगर मैं स्टूडेंट इमेज निकालूंगा इस लाइन के अबाउट, तो वो यहां पर हम लोगों को माइनस बी कॉमा माइनस ए मिलेगी। आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये भी हमारे पास में एफ इनवर्स एक्स पर अप, जो है एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि एफ इनवर्स ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ए। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप एक साथ देखिए स्टूडेंट, इसमें बी रखने पे आउटपुट मिलता है ए और माइनस बी रखने पे आउटपुट मिलता है हम लोगों को माइनस ए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये जो कर्व है हम लोगों के पास में वो एक, या एफ इनवर्स एक्स जो फंक्शन है हम लोगों के पास में वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस ऑफ एफ एक्स हम लोगों को मिल रहा है। इस तरह से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ इनवर्स एक्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फोर क्या है कि दी रेंज ऑफ दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन फ्रैक्शन पार्ट का स्टेप। स्टेप और फ्रैक्शन आपको पता है कि ये जीआई फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो देखो इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बेटा जो फंक्शन एफ एक्स की रेंज है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे। जैसा इसका आउटपुट होगा उसके रेस्पेक्ट में एफ एक्स की क्या होगी रेंज। तो देखो अपन को ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो आउटपुट है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो टू वन। बट फ्रैक्शनल पार्ट को जीरो लोगे तो साइन जीरो जीरो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो एफ एक्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको ओनली क्या करना है, इस फंक्शन का इनपुट क्या लोगे, फ्रैक्शनल पार्ट का जीरो टू वन। तो इनपुट जब जीरो से वन लोगे तो दिस पार्ट इज डिफाइंड। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर जीरो से वन है तो इसको जब साइन का इनपुट लोगे आप तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साइन आपका जीरो टू वन में इंक्रीजिंग है, तो साइन जीरो जीरो होगा और साइन वन इज साइन वन। तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ग्रेटर और साइन वन से लेस। साइन वन से लेस का मीनिंग क्या, ये वैल्यू आपकी वन से लेस है। तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट है वो जीरो से साइन वन है, साइन वन का मीनिंग वन से लेस। तो जीरो से वन का जब आप लोगे रेसिप्रोकल तो ये वैल्यू क्या होगी, वन से ग्रेटर। जीरो से वन के बिटवीन कोई भी नंबर लो, वन लेना नहीं है अपन को, तो जीरो से वन से ग्रेटर नंबर का जब लेस नंबर का रेसिप्रोकल लोगे तो होगा वन से ग्रेटर। और बाद में इस वन से ग्रेटर का क्या लोगे आप स्टेप, तो उसका आउटपुट क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो इसकी रेंज होगी आपकी आर इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सो ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। एक फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट हम लोगों को और इस फंक्शन का डोमेन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे पहली बात ये है हम लोगों के पास में कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट x बिलोंगिंग टू r माइनस ऑफ माइनस 2, ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन हमें मिली। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम लोगों को मिलेगा माइनस इंफिनिटिव टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटिव। तीसरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ये है हम लोगों के पास में कि बेस जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी मॉडुलस x कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां से पता लगा कि x प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं हो सकता, ये हमको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। फोर्थ इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में यहाँ पर इस ये है स्टूडेंट कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी दिख रही है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड बेस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है या ये 1 से छोटा है, क्योंकि तभी हम लोग इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से आगे हम लोग स्टूडेंट दो केस लेकर के चलेंगे। एक बार हम लोग मॉडुलस x माइनस 1 को 1 से बड़ा मानेंगे, यानी मॉडुलस x को 2 से बड़ा मानेंगे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि x को मैं माइनस इंफिनिटिव टू माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटिव लेके चलूंगा, तब ये बेस 1 से बड़ा है, इसको हम लोग इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो मॉडुलस x माइनस 1 पावर 0 विल बी 1, साइन विल बी सेम एंड यहां रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, और दूसरे केस में स्टूडेंट हम लोग इस बेस को 1 से छोटा मान के चलेंगे, यानी मॉडुलस x माइनस 1 इज लेस देन 1, दैट इज मॉडुलस x लेस देन 2,
तो यहां पर हम लोग x को माइनस टू से लेकर के प्लस टू तक मान के चल रहे हैं। अब चूंकि इस केस इस समय स्टूडेंट ये जो बेस है ये वन से छोटा है, तो जब इसको हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। यानी इस केस में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट वन। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे और इसका इस इनइक्वालिटी से जो हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। उससे स्टूडेंट हम लोगों को इस पूरे केस में x की और जो यहां पर आंसर आया और जो यहां पर आंसर आया उसका आपस में हम यूनियन लेंगे, उससे हमें x का एक इंटरवल यहां मिलेगा। अब स्टूडेंट देखिए कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर थर्ड और कंडीशन नंबर फोर्थ चारों का सेटिस्फाई होना जरूरी होगा, तो हम चारों का इंटरसेक्शन लेंगे और इन चारों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, आपको x और y टू सेट गिवन है, सेट x में 6 एलिमेंट है, सेट y में 3 एलिमेंट गिवन है, देन द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम कैपिटल x टू y, मतलब आपको टोटल फंक्शन को कैलकुलेट करना है x टू y में सच दैट इट इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन को ऑन टू लेना है, एंड एक कंडीशन बोलेगी कि देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स स्मॉल x इन कैपिटल x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू b1। तो देखो उसका मीनिंग क्या है, एक फंक्शन f आपका कैपिटल x से कैपिटल y में डिफाइन है, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 और इसमें ओनली 3 एलिमेंट है b1 b2 एंड b3। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि fx इक्वल टू b1, x की एग्जैक्टली 3 वैल्यू के लिए x1 आपका b1 के इक्विवेलेंट है। तो देखो क्या करना है, अपने पास सेट x में टोटल 6 एलिमेंट है, तो इनमें से 3 एलिमेंट को आपको b1 के साथ मैपिंग करनी है। तो क्या करो, पहले 6 में से 3 एलिमेंट का सिलेक्शन करो, दिस इज ncr, तो ये 6 ही थी, तो 6 में से जो 3 एलिमेंट आपने सिलेक्ट किए, लेट वो मैंने कंसीडर किए a1 a2 a3, इनको तो आपकी मैपिंग करनी है इसकी b1 से, तो इनकी मैपिंग की आपने b1 से, अब रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी मैपिंग करोगे आप b2 एंड b3 से, बट ध्यान ये रखें कि फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए। देखो कैसे लिखना चाहिए, A4 को फिल करने की 2 ऑप्शन है B2, B3, सिमिलरली A5 और A6 की भी क्या होंगे 2 ऑप्शन, तो आप लिख सकते हो A4 को फिल करने के 2 ऑप्शन, A5 को भी फिल करने के 2 ऑप्शन और A6 को भी फिल करने के 2 ऑप्शन, बट इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि बाई चांस अगर A4 A5 और A6 इन तीनों को आपने B1 से B2 से कनेक्ट किया तो फंक्शन क्या होगा N2, और अगर बाई चांस इन तीनों को आपने किससे कनेक्ट किया B3, तो इस केस में फंक्शन क्या होगा आपका N2। तो आपको क्या करना है, इस केस में से आपको 2 को सबट्रैक्ट करना है, तो इससे क्या होगा टोटल 6 वो केसेस हैं जिसमें आप A4 A5 A6 को B2 B3 से कनेक्ट कर सकते हो और फंक्शन उस केस में होगा बेटा ऑन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 6C3 × 6, 6C3 की वैल्यू 20 पुट करना है इसमें और 6 करोगे तो आंसर होगा इसका 120, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 4th ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7th। इस तरह से एक फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट हम लोगों को और इसका रेंज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग इसके डोमेन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सबसे पहले। सो वी नो दैट इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर -1 to +1, सो दिस नंबर शुड बी फ्रॉम -1 to +1। नाउ दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करूंगा स्टूडेंट तो ये आ जाएगा -1 से लेकर के 2 तक, दैट इज -3/2 टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3/2, ओके सॉरी 2 -1/2, 3/2 एंड -4। अब देखिए स्टूडेंट ये जो पोर्शन है दिस इज ऑलवेज 2, सो इसका सॉल्यूशन हो गया ऑल द रियल नंबर्स। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारे पास में, या अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में 0 से लेकर के और 3/2 तक मूव कर सकता है, ऐसा होने पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब देखिए अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को 0 से लेकर के 1/2 तक, जैसे मेरे पास में फंक्शन है ये, अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को 0 रखता हूं तो ये बनेगा हमारे पास में 1/2 का बॉक्स लेंगे तो ये होगा 0, और अगर मैं इसको 3/2 लिखता हूं तो ये होगा 1/2 + 3/2, दैट इज 4/2, दैट इज 2, 2 का बॉक्स होगा हमारे पास में 2, लेकिन दिस इज ए ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर का जो नंबर है वो हमारे पास में 0 जा रहा है और 2 जा रहा है, और देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
तो प्रिसाइसली स्पीकिंग साइन इनवर्स के अंदर का नंबर या तो जीरो हो सकता है या फिर हमारे पास में वन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर यहां पर साइन इनवर्स के अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में नहीं मिलेगा। नाउ साइन इनवर्स जीरो इज जीरो एंड साइन इनवर्स वन इज पाई बाई टू एंड पाई, तो ये दो ही वैल्यू इस फंक्शन की पॉसिबल है। यही दो हमको रेंज में इंक्लूड कर रही है ऑप्शन नंबर टू। एक क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स और एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है आपको, इज ए पीरियडिक विद फाइनाइट फंडामेंटल पीरियड, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स, मतलब इसका फाइनाइट फंडामेंटल पीरियड है तो आपको उसका पीरियड करना है कैलकुलेट। देखो क्या करना है इसमें, इस फंक्शन में टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समेशन में हो या सबट्रैक्शन में, तो क्या करना है आप बोथ का सेपरेट करो पीरियड को फाइंड आउट। तो साइन का पीरियड क्या होगा 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन एक्स के कोफिशिएंट से करना है डिवाइड, तो अपॉन में आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3। सिमिलरली जो सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका पीरियड क्या लगोगे, कॉस का पीरियड अगेन 2 पाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट रूट बी स्क्वायर प्लस ए। तो t1 इसका पीरियड है, t2 इसका पीरियड है, इस कंप्लीट फंक्शन का जो पीरियड क्या होगा t1 एंड t2 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। तो देखो जब भी आपको एलसीएम लेना है न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो उसका क्या मेथड है, न्यूमेरेटर का एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का एचसीएम। तो 2 पाई का 2 पाई के साथ जब एलसीएम लोगे तो ये तो आ गया 2 पाई। अब आपको इन डिनोमिनेटर वाले पार्ट का लेना है बेटा एचसीएम। तो एक बात ध्यान रखें आपको इस कंप्लीट पार्ट का दोनों का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने का एक मेथड है कि जो पार्ट है आपका वो सेम टाइप का क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो ये पाई टाइप का इरेशनल नंबर है और ये भी क्या पाई टाइप का, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपका होना चाहिए बेटा एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ये नॉन इंटीजर होगा तो उस केस में अपन इन दोनों का एलसीएम इज नॉट पॉसिबल। तो इसको इंटीजर लाने के लिए आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे ए की कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है और बी की कौन सी वैल्यू ले सकती है जिस केस में बहुत हार इंटीजर। तो आप सेपरेट सॉल्व करना कि ए स्क्वायर माइनस 3 को आपको इंटीजर लेके आना, मतलब इसके अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो लेट ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को 3 लिखो, इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, तो देन क्या करना है इसमें, इसके ए और एम बोथ आर इंटीजर, तो इसके फैक्टर 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 लिख के इससे आप इजीली एम की वैल्यू को क्या कर सकते हो कैलकुलेट। सिमिलरली इस सेकेंड को लेट करना परफेक्ट स्क्वायर इज एन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 7 को अगेन आप एन स्क्वायर लेट करें और सेम बी स्क्वायर को राइट में ट्रांसफर, अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो इससे आपको एन की वैल्यू मिलेगी इंटीजर। एम और एन को जब पुट करोगे इसमें तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, को प्राइम नंबर आने वाले हैं, क्या होंगे को प्राइम नंबर। तो देन इस केस में इनका एलसीएम आएगा बेटा 1। तो इस फाइनल जो अपना फंक्शन एफ एक्स इसका पीरियड क्या मिलेगा बोलो 2 पाई, ये आप करना कैलकुलेट करके, तो इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स दिया गया है और ये एक्स और वाई की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ट्रू है, दिस इज द फंक्शनल रूल गिवन इन द क्वेश्चन। एफ 40 की वैल्यू हमें दी गई है स्टूडेंट और एफ 45 की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसी कुछ कोशिश करेंगे कि एक्स वाई और एक्स जो दो आर्ग्यूमेंट हमको फंक्शन में दिख रहे हैं उनमें से हम एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि एक जगह 40 बने और दूसरी जगह 45, जिससे हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर x को रख रहा हूं मैं 45 और y को रख रहा हूं मैं 45/40। देखिए यहां पर अगर मैं रखूंगा तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे 40/45। तो अगर मैं x और y की इन वैल्यू को यहां रखूंगा तो मल्टीप्लाई होकर यह आएगा f ऑफ 40, दिस विल बी इक्वल टू 40/45 होल स्क्वायर एंड दिस इज f ऑफ 45। अब देखिए f ऑफ 40 की वैल्यू क्वेश्चन में 30 दे रखी है, ये हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 8/9 इसका स्क्वायर इंटू एफ ओ 45 और यहां से स्टूडेंट आप इजीली एफ ओ 45 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 आंसर में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ 10th क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन एफ एक्स गिवेन है देन आपको इसकी रेंज को क्या करना है कैलकुलेट। देखो क्या करोगे, इसकी जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे। तो अपन क्या करते हैं इसमें जो x का पार्ट है उसको या तो कंप्लीटली न्यूमेरेटर या कंप्लीटली डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो। एक ऑप्शन तो क्या है कि आप इस अंदर वाले फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करो, इसको y लेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अपन x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो y के टर्म में। और शॉर्टकट मेथड क्या है कि इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है, मतलब सिंगल साइड आपको वेरिएबल लाना है
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो न्यूमेटर में क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन से दिस पार्ट को सेपरेट डिवाइड और ई माइनस वन से करो अगेन सेपरेट डिवाइड, तो इससे आपको फंक्शन मिला इक्वल टू लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, तो मिलेगा वन प्लस दिस इज ई माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे अपन को इजीली पता चल रहा है कि इस फंक्शन एफ एक्स की जो रेंज है वो डिपेंड्स ओनली एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो और जीरो से ग्रेटर। तो ये अगर जीरो और जीरो से ग्रेटर लोगे तो डिनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज वन और वन से ग्रेटर। तो क्या करते हैं, एक बार तो इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करो वन, तो इसको जो मिनिमम वन लोगे तो जैसे ई माइनस वन, वन से वन कैंसिल, तो लॉग ऑफ ई क्या होगा आपका वन आने वाला है। फिर वन से ग्रेटर के लिए इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू लोगे इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन प्लस जीरो इज वन एंड लॉग वन इज जीरो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी आपको वन और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीरो, बट जीरो पे क्या लगाना है ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि जीरो कब फाइंड आउट हुआ, जब आपने इसको इनफाइनाइट पुट किया था, तो इसकी रेंज होगी जीरो से वन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक फंक्शन दे रखा है, x 0 से 2 पाई के बीच में मूव कर रहा है, इस इंटरवल में हमें इसकी डोमेन निकालनी है, यानी इस इंटरवल में हमें पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है। अब देखिए सर, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है अल्टीमेटली दैट इज माइनस वन टू प्लस वन, तो जो sec x हम लोगों को दिखाई दे रहा है, sec x का बॉक्स हम लोगों को दिख रहा है, ये माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पोर्शन है, तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो sec x माइनस वन से लेकर के कहां तक मूव कर सकता है, टू तक मूव कर सकता है। अब यहां पर आप ये देखिए स्टूडेंट कि जैसे sec x की अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, एक बार इस पोर्शन को लेके चले कि sec x की जो वैल्यू है वो हमारे पास में माइनस वन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी बार हम लोग इसको लेके चलेंगे कि sec x की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास टू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि अल्टीमेटली जो sec x होता है वो माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटिव होता है, तो ये इनइक्वालिटी तो आपकी बताइए कब सेटिस्फाई होगी, जब या तो sec x एग्जैक्टली माइनस वन हो या फिर हमारे पास में sec x जो है वो वन से लेकर के कहां तक हो, इन्फिनिटिव हो, तब ये हमारे पास में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती, ठीक है। और इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि sec x जो है वो टू से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहां पर हम लोग इसको लेके चलेंगे तो sec x माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस वन हो सकता है या फिर वन से लेकर के और टू तक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये और ये दोनों पोर्शंस एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये जो sec x है वो हमारे पास में या तो माइनस वन हो सकता है, माइनस वन देखिए दोनों में इंक्लूड हो रहा है, और दूसरा हमारे पास में जो sec x है वो 1 से लेकर के और 2 तक हो सकता है, इसके अलावा sec x की कोई पॉसिबल वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब हम स्टूडेंट देखें कि हमको सिर्फ x को लेके चलना है 0 से लेकर के और 2 पाई तक, इस इंटरवल में हम लोगों को इस पोर्शन को चेक करना है कि वो कहां से कहां तक हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं 0 से 2 पाई तक मैं चलना स्टार्ट करूं तो sec x की वैल्यू -1 होगी पाई पर, तो एक तो हम लोग x को लेकर चल सकते हैं पाई पाई। इसके बाद में सुना, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन देखूं तो देखिए sec x की वैल्यू 1 कहां पर होती है, एंगल 0 पर, और 2 कहां पर होती है, जहां पर हमारे पास में 60 डिग्री का जो एंगल है उस पर, तो इसका मतलब 0 से लेकर के और 60 डिग्री तक हम लोग लेके चल सकते थे एक बार, ठीक है। उसके बाद में सुन, अगर मैं पहुंचता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पर sec x की वैल्यू 1 कहां पर है, 2 पाई पर, तो 2 पाई लिया, लेकिन 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि हमारे को जो इंटरवल दे रखा है वहां भी ओपन ब्रैकेट है, और 2 कहां पर होती है स्टूडेंट, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 5 पाई बाई 3 पर, और इस पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो ये अल्टीमेटली स्टूडेंट x का सेट हुआ जिस पर कि ये पूरी बात सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 12 क्वेश्चन देखो, fx be a polynomial function satisfy this functional property एंड एफ ऑफ 4 आपको 65 गिवन है, देन आपको एफ ऑफ 6 को कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, ये आप याद रखें कि क्वेश्चन में जब ये फंक्शनल प्रॉपर्टी आपको गिवन हो और फंक्शन में बोला जाए कि फंक्शन आपका कैसा है, पॉलीनोमियल फंक्शन, तो आप फंक्शन को कैलकुलेट करना है एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन, इसको याद रखो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज इसको सोल्व करोगे तो काफी लेंथी होगा, ठीक है।
तो ये फंक्शन है जो इस फंक्शनल प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और फंक्शन आपका क्या होगा पॉलीनोमियल। अब आपको क्या देखना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको एफ ऑफ 4 गिवन है 65, तो देखो इस वैल्यू को यूज करो, तो इसमें x को 4 पुट करोगे तो क्या होगा प्लस माइनस 4 की पावर n, 1 को दर्शित किया तो जैसे 64 का मीनिंग है 4 की पावर 3। तो देखो बेस इक्वल हो तो अपन पावर को क्या कर सकते हैं कंपेयर। तो ये ओनली उसी केस में पॉसिबल है जब आप टेकिंग क्या लोगे प्लस, क्योंकि टेकिंग प्लस में प्लस इक्वल टू प्लस मतलब पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो n की वैल्यू क्या होगी 3, और जब टेकिंग माइनस की बात करोगे तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव ही क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इससे क्या पता चला कि एफ ओ 4 इक्वल टू 65 है, देन n को तो 3 लेना है और टेकिंग आपको प्लस साइन, तो देन फंक्शन एफ एक्स इज एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो इससे आपको ये फंक्शन मिला। आपको एफ ओ 6 को फाइंड आउट करना है, तो इसमें x को जब 6 पुट करोगे तो क्या आ गया 6 क्यूब प्लस 1, ये एफ ओ 6 की वैल्यू होगी। 6 क्यूब की वैल्यू शायद 216 लिखते हैं और प्लस 1 तो हो जाएगा 217। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखिए यहाँ हमको एक फंक्शन दे रखा है और ये कह रखा है कि ये एक ऑड फंक्शन है, ए के इंटरवल का सेट हमें निकालना है। देखिए सर अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें सर ये दोनों पोर्शन जो है हमारे पास ये कैंसिल हो गए, ये पोर्शन इधर आएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिला कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए इसका जो बॉक्स है ये हम लोगों के पास में जीरो के बराबर आ गया। अब इसका मतलब ये है सर कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए जो है वो हमको जीरो से वन के बीच में ही लेकर के चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जीरो नहीं होता। नाउ दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू -10 to 10, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ये बात -10 से 10 तक हर जगह स्टूडेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसका मतलब है स्टूडेंट कि x स्क्वायर को मैं 0 से 100 तक ले सकता हूं, तो अगर मैं x स्क्वायर को 0 से 100 लूं और तब भी हर समय ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं स्टूडेंट x स्क्वायर को 0 लूंगा तो देखिए तब तो ये जैसे जैसे मैं x स्क्वायर को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं x स्क्वायर को 0 लेता तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती जो कि 0 होती जो इस इंटरवल में ऑलरेडी है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को 100 लेता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी स्टूडेंट इसी इंटरवल के अंदर ही रहनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू लेने पर स्टूडेंट ये आएगा 100 अपॉन ए, दिस शुड बी बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 to 1, दैट इज ये जो है वो 1 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोगों के पास में ए जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, अगर ए को नेगेटिव लेते तो ये नेगेटिव हो जाता तब ये इस इंटरवल में नहीं आता। सो मैं यहां से कह सकता हूं स्टूडेंट कि ए जो है वो हम लोगों के पास में 100 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या है कि fx इज एन इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स टू r, देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट इज, fx आपका इवन फंक्शन है तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका सम क्या होगा। तो देखो क्या करना है, स्टार्टिंग में तो आप बोल सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसके अकॉर्डिंग तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर एफ एक्स आपका दिस पार्ट इक्विवेलेंट है तो इसका इनपुट और इसका इनपुट दोनों क्या होने चाहिए सेम, तो जब दोनों का इनपुट सेम होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ दिस पार्ट ट्रू होगा। तो एक कंडीशन तो यूज करोगे एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स इज एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट होंगी तो उस केस में fx इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इसका d आपका पॉजिटिव है तो इसकी जो रूट्स हैं इसका d अगर पॉजिटिव है इसके रूट रियल होंगे, तो इस केस में जो रूट्स का सम होगा लेट अल्फा प्लस बीटा माइनस के, तो एक तो आपको ये फाइंड आउट हुआ। फिर बाद में बोला गया कि फंक्शन आपका इवन है तो एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अब क्या करो एफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। वही सेम थिंग कि जब ये एफ ऑफ दिस पार्ट इसकी इक्वलेंट है तो अगेन दिस पार्ट इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस एक्स, इसको जब माइनस एक्स की इक्वलेंट करोगे तो देखो अगेन आपको क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो उससे आपको अगेन x की टू वैल्यू मिलेंगी जो दिस पार्ट को क्या करती है सेटिस्फाई। इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में ट्रांसफर किया माइनस टू एक्स तो लेफ्ट में करोगे तो प्लस थ्री एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो इसका भी डी आपका पॉजिटिव है मतलब इसके भी रूट आपके रियल होंगे। तो एक्स की टू वैल्यू इससे फाइंड आउट होंगी जिनका सम होगा माइनस बी वाई एन माइनस के थ्री। तो टू वैल्यू तो दिस है जिनका सम माइनस वन है इधर भी टू रियल वैल्यू जिनका सम आपका माइनस थ्री है तो टोटल जो रूट्स हैं उनका सम क्या होगा माइनस के फोर। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगेन एक फंक्शन हम लोगों को दे रखा है और इस फंक्शन की रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सर हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे पहले कि ये जो नंबर है पूरा ये कहां से कहां तक मूव हो सकता है और उसके लिए हमें ये देख करना पड़ेगा कि इसको हम किस प्रकार का नंबर ले सकते हैं जिससे कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड रहे। देखिए इस लॉग के अंदर ये जो नंबर लिखा है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इस लॉग के लिए तो हमें कोई टेंशन नहीं है लेकिन ये पूरा नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमारे पास लॉग के अंदर लिखा हुआ था। सो टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ टू और शुड बी नॉट ग्रेटर देन ये होना चाहिए टू ग्रेटर देन लॉग बेस टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। ऐसा होगा तो इस लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा। यहां से स्टूडेंट आता है 4 इज ग्रेटर देन 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ये हम लोगों के पास में आती है 3 अपॉन 16 से लेस। ठीक है ये हमको साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल देना। अब हम जानते हैं इसका मतलब यहां पर मैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स को 0 से 3 अपॉन 16 तक ले सकता हूं और ऐसा लेने पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। आप देखिए ये जो फंक्शन था स्टूडेंट ये था हमारे पास में लॉग बेस में रूट टू टू माइनस लॉग बेस टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है ये इस तरह का फंक्शन हमें रखा था। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स कैन मूव फ्रॉम 0 टू 3 अपॉन 16 इन दिस फंक्शन। सो अगर मैं स्टूडेंट इसकी रेंज निकालना चाहूं तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स को एक बार अगर मैं 0 लेके चलता हूं तो ये हो गया लॉग ओवर 1 व्हिच इज 0 तो ये बन जाता है लॉग 2 बेस रूट 2 जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 2। उसके बाद में स्टूडेंट अगर उसके बाद में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को 3 बाई 16 लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4 लॉग 4 बेस 2 विल बी 2 2 माइनस 2 विल बी 0 सो अंदर का नंबर 0 मूव करेगा तो ये नंबर माइनस इनफाइनाइट मूव करेगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ये जो फंक्शन है ये माइनस इनफिनिटी से 2 तक मूव कर सकता है तो इसकी रेंज हुई ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक फंक्शन f है आपका वो r से 0 से पाई बाई 2 में डिफाइन है r उसकी डोमेन बोली गई है और ये इसकी कोडोमेन है which defined f x equal to this part then set of values of lambda for which f x is onto function। ये फंक्शन अगर आपका onto है तो क्या कंडीशन होगी कि इसका जो आउटपुट है f x का वो इसकी कोडोमेन के इक्वलेंट होना चाहिए। तो देखो इसकी जो रेंज है सॉरी इसकी कोडोमेन है वो आपको गिवन है 0 से पाई बाई 2 तो आप ये देखें जो कोट इनवर्स है कोट इनवर्स का जो आउटपुट है वो जनरली क्या लेते हैं 0 से पाई बट ये याद होना चाहिए कि कोट इनवर्स का इनपुट अगर पॉजिटिव हो तो उसका आउटपुट होगा 0 से पाई बाई 2 ऐसे और अगर कोट इनवर्स का जो इनपुट है दिस पार्ट ये अगर हुआ नेगेटिव तो इसके रिगार्डिंग इसका आउटपुट होता है बेटा ओपन पाई बाई 2 से पाई। तो अपने क्वेश्चन में जो कोडोमेन है वो आपको 0 से पाई बाई 2 गिवन है मतलब दिस पार्ट तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इस कोट इनवर्स का इनपुट है वो आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब 0 और 0 से ग्रेटर तो इस केस में कोट इनवर्स का आउटपुट ऑलवेज क्या होगा 0 से पाई बाई 2। ठीक है 0 लेने पे कोट इनवर्स की वैल्यू आपको पाई बाई 2 मिल सकती है। तो अब देखो क्या करना है ये x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। तो इससे क्या पता चला कि अपवर्ड पैराबोला की वैल्यू x की ऑल वैल्यूज के लिए क्या होनी चाहिए 0 और 0 से ग्रेटर मतलब अपवर्ड पैराबोला का डायग्राम ऐसे होना चाहिए। तो इस केस में इसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो सकती है और इसकी कंडीशन क्या लिखते हैं d इक्वल टू 0 तो d को 0 करोगे तो क्या जाएगा b स्क्वायर 16 माइनस 4 a इज 1 और c इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 4 आप कैंसिल कर दो माइनस से मल्टीप्लाई करो देन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 तो इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा माइनस बी इज 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज 17 अपॉन 2 ऑफ ए तो इसकी रिगार्डिंग इसका आंसर क्या होगा
ओनली लैम्डा की टू वैल्यू होंगी, जिस केस में ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे सर हम लोगों को इस तरह से एक फंक्शन दे रखा है और ये बोल रखा है कि इसका जो पीरियड है वो 3 पाई है। ओके, सो वी नो अगर फंक्शन का पीरियड स्टूडेंट 3 पाई है तो f ऑफ 3 पाई प्लस x विल बी इक्वल टू f ऑफ x, है ना, फंक्शन की वैल्यू x पर और x प्लस 3 पाई पर इक्वल होगी। तो ये जो फंक्शन था इसमें मैंने x की जगह 3 पाई प्लस x लिखा, तो इट विल बिकम x 3n पाई प्लस nx into sine of 5 upon n into 3 pi plus x, ठीक है, this is equal to cos nx into sine of 5x upon n। Now student, this should be an identity, ये x की सभी value पे true होनी चाहिए, तो मैं x की कोई भी value अपनी इच्छा से इसमें रख सकता हूं, उस पर ये equation must be satisfied। So I put x equals to 0 to make the calculations easier। तो x को जैसी जीरो रखा तो देखिए ये आता है हमारे पास में cos of 3n pi, और यहां पर x को अगर मैं जीरो रखता हूं तो ये आता है sin of 15 pi upon n equal to, now this is cos 0, या इसको देखे तो ये sin 0 हुआ तो ये पूरा जीरो ही हो गया, ठीक है, तो cos of 3n pi into sin of 15 pi upon n will be 0। क्वेश्चन दीजिएगा सर एक मिनट। अब यहां पर देखिए सर कि हम लोगों को क्वेश्चन में ये कह रखा है कि n should be an integer, ओके? तो n अगर इंटीजर है, अब आप सोच के देखिए सर, मैं यहां पर n को कोई सा भी इंटीजर लिखूं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर गया हूं, n को यहां पर मैं कोई सा भी इंटीजर लिखूं, से 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, तो इट विल बिकम मल्टीपल ऑफ पाई, इवन आइदर ऑड और इवन। कॉस में पाई के इवन या ऑड मल्टीपल पर स्टूडेंट कॉस की जो वैल्यू होती है वो या तो प्लस 1 होती है या तो माइनस 1 होती है। इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता अगर n इंटीजर है तब, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसी को जीरो बनना पड़ेगा, हम लोग ये कह सकते हैं, यानी कि साइन 15 पाई अपॉन n शुड बी जीरो, ये हम लोगों को पता लगा। अब आप इस पर देखिए कि हम जानते हैं कि साइन में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है उस पर साइन की वैल्यू जीरो होती है, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब जीरो होता है। तो अगर मैं एन की कोई भी ऐसी वैल्यू लेता हूं जो कि 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा और तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो एग्जांपल के तौर पे सोचिए अगर मैं n को 1 लेता हूं तो ये साइन 15 पाई बनेगा, उस पे जीरो होगा। मैं माइनस 1 लेता हूं तो ये साइन ऑफ माइनस 15 पाई होगा, तब भी ये जीरो होगा, यानी मैं n को प्लस माइनस 1 ले सकता हूं। ऐसे ही मैं यहां पे n को प्लस माइनस 3 ले सकता हूं, प्लस माइनस 5 भी ले सकता हूं, और उसके बाद प्लस माइनस 15 भी ले सकता हूं। तो अगर इन वैल्यूज को मैं गिनूं तो ये टोटल 8 वैल्यूज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में n की टोटल 8 वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 18 क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन आपको fx गिवन है x की ऑल वैल्यूज के लिए, तो देन आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि फंक्शन पीरियडिक होगा नॉन पीरियडिक, अगर पीरियडिक है तो पीरियड उसका 1 होना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को बाद में चेक करना है। फोर्थ ऑप्शन में तो fx की मिनी वैल्यू को फाइंड करना है और थर्ड में एक फंक्शनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी रेंज, सॉरी इसका पीरियड क्या हो सकता है। देखो इसका जो पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पावर पे। तो इस पावर को थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे आप, देखो ये होगा fx इक्वल टू 2 की पावर साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस साइन की पावर 4 पाई एक्स, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, एक्स माइनस स्टेप एक्स इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो इस fx का जो पीरियड है वो क्या होगा, साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होगा, पाई, और x का कोएफिशिएंट पाई, तो इसका पीरियड आ गया 1। सिमिलरली साइन की पावर 4 है पावर इवन, तो इसका पीरियड पाई अपॉन x का कोएफिशिएंट पाई, तो अगेन पाई अपॉन पाई इज 1, और फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड भी क्या होगा बेटा 1। तो दिस पार्ट का पीरियड 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो इन सबका जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम अगेन क्या होगा 1, तो देन जो फंक्शन fx का इसका पीरियड मिला आपको 1, तो एक तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन को कैसे वेरीफाई करना है, अगर इस फंक्शन का पीरियड बने तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि fx equal to f of x plus t equal to f of x plus 2t, अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो आप क्या लिख सकते हो, x plus t equal to f of x plus 2t up to so on। तो देखो इसमें जो कंडीशन है इसको देखते हैं अपन, एक काम करो इससे अपन fx की वैल्यू को करते फाइंड आउट,
तो आप रिप्लेस करो एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस टेन, क्योंकि एक्स को जब एक्स प्लस टेन से रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एफ एक्स, इससे क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेंटी। तो सिंपल सी बात ये है इसमें कि जब आगे चलोगे तो इसमें कहीं एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेंटी टी भी होगा, ठीक है, और अपन को पता है कि इसका पीरियड बने तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गया एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वेंटी, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी बच्चों करेक्ट होगा। अब इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए देखो क्या करना है, ये 2 की पावर समथिंग ये कैसा फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो इसकी मिनी वैल्यू के लिए देखो इधर आओ, इसकी जो मिनी वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी, इस पावर पे। तो देखो साइन स्क्वायर एक की वैल्यू ऑलवेज जीरो जीरो से ग्रेटर, साइन की पावर फोर है इसकी वैल्यू भी जीरो जीरो से ग्रेटर, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू भी जीरो जीरो से ग्रेटर। तो अगर आप सबकी मिनी वैल्यू जीरो लेते हो तो टू की पावर जीरो आंसर इसकी मिनी वैल्यू बना सकती है, बट आप ये चेक करें कि ये ऑल थ्री टर्म्स आपकी साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए, जीरो। तो देखो इसमें जब आप एक्स को जीरो लोगे तो साइन पाई जीरो, इसमें भी साइन पाई जीरो, और फ्रैक्शनल पार्ट जीरो भी आपका जीरो, मतलब जब एक्स को इसमें जीरो पुट करोगे तो देन टू की पावर जीरो इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। और एक्स कोई भी इंटीजर वैल्यू लो आप, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लोगे तो साइन जीरो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो जीरो, तो एक्स की ऑल इंटीजर वैल्यू पे इसकी मिनी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो। तो इसका टू की पावर जीरो वन इसकी मिनी वैल्यू होगी, तो इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। ये एक फंक्शनल इक्वेशन हमें दी है एफ ऑफ 1 1 अपॉन 2007 है, एफ ऑफ 2007 पहुंचा है। इस फंक्शनल इक्वेशन का सीधे सीधे सॉल्यूशन हम लोगों को ध्यान रखना होता है, दैट इज kx। अब k की वैल्यू को निकालने के लिए इस डेटा को हम लोग यूज करेंगे, तो इसमें अगर मैं x को 1 रखता हूं, f of 1 is 1 upon 2007 equals to k, तो k ये आ गया। अब इसको वापस हम लोग यहीं रख दें तो f of x निकल करके आ जाएगा स्टूडेंट x upon 2007। अब हम लोगों को f of 2007 निकालना है, इसमें मैंने x को 2007 रखा तो 2007 upon 2007 that is 1, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 1। तो लास्ट क्वेश्चन देखें, लेट s बी द सेट ऑफ पॉइंट्स x कॉमा y गिवन y s इक्वल टू दिस पार्ट, जो x कॉमा y है वो इस सेट पे लाई करते हैं और x और y को आपको दिस इक्वेशन से कंसीडर करना है, देन आपको फाइंड आउट करना है कि f ऑफ x कॉमा y इज y अपॉन x, तो बताओ इस fx की जो रेंज है वो आपको दिस पार्ट गिवन है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपको फाइनली y अपॉन x की रेंज को फाइंड आउट करना है और y upon x lies on the this curve, तो जो curve given है ये बेटा एक सर्किल की इक्वेशन है, तो अपन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर प्लस 25 है तो आपको माइनस 25 करोगे तो इधर आ गया 9। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसपे आपका x कॉमा y लाई कर बना है, ठीक है। तो अब आपको इसको लेट करो z इक्वल टू y upon x, जिसकी रेंज आपको कैलकुलेट करनी है, तो y और x को अपन सर्किल से ले सकते हैं, तो इस पे एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करो पॉइंट p, अल्फा प्लस r cos थीटा, बीटा प्लस r sin थीटा, तो इसमें अल्फा तो इसका 5 है प्लस रेडियस इज 3, तो 5 प्लस 3 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा, ये एक पॉइंट है जो इस सर्किल की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई पैरामेट्रिक फॉर्म में, दिस इज x दिस इज y, तो इसमें पुट करोगे तो z होगा बेटा 3 sin थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cos थीटा। अब इसके बाद देखो इस z की रेंज को कैलकुलेट करना है तो उसका क्या मेथड है, sin थीटा और cos थीटा का आप क्या करो tan के हाफ एंगल में फॉर्मूला यूज करो, 2 tan थीटा / 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा / 2 और 1 - tan स्क्वायर थीटा / 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा / 2। ये पुट करने के बाद जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देन इट इज बिकम क्वाड्रेटिक इन tan स्क्वायर थीटा / 2 और बाद में उसका कर देना आप d कर देना इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि tan थीटा / 2 आपका रियल है, तो जब आप इसका d कर देना 0 करोगे तो आपको z की क्या मिलेगी बेटा रेंज, और उसको जब कैलकुलेट करोगे तो उससे z की वैल्यू मिलेगी बेटा -3/4 से +k/3/4, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें k की वैल्यू क्या होगी बेटा 4। ये आपको आंसर फिल करना है। चलो थैंक यू। ओके, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यहीं पर ओवर करते हैं, थैंक यू।